बी ए के लड़के रहते हैं, मास्टर्स के लड़के रहते हैं, PhD जो बैचलर ऑन फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, बीपीएड और एमपीएड दोनों के लड़के यहाँ रहते हैं, पीएचडी वाले रहते हैं, विजुअल आर्ट्स वालों को भी यही हॉस्टल अलॉट होता है। ओके. क्योंकि हमको लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि बीएचयू का सबसे बड़ा हॉस्टल अभी एलबीएस है। जैसे दरवाजा है ना, इस दरवाजे को ऐसे बंद करके और यहाँ पे चौकी लगा दिया था मैंने, कि पुलिस पीट रही थी, बाहर से पैर मार रही थी, पांच पांच छः छः पुलिस एक एक दरवाज़ा तोड़ रही है, लेकिन हमने दरवाज़ा नहीं खोला। जब हमारे वार्डन आए, वो बोले कि हाँ मैं वार्डन हूँ, तब जा करके दरवाज़ा खोला। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। एडमिशन की प्रक्रिया लगभग ख़त्म होने वाली है, चौथे राउंड का कट ऑफ आ चुका है बीए का, और मुझे लगा कि आपको हॉस्टल भी अलॉट होने वाला होगा अभी कुछ देर में। तो हॉस्टल अलॉट किसका किसका हो गया, किसका किसका नोटिस आया है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट जब भी स्टार्ट होगा ऑनलाइन होगा और आपके पोर्टल पे दिखेगा और आपको पेमेंट भी दिखेगा, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे, आपका हॉस्टल लॉक हो जाएगा, मतलब अलॉट हो जाएगा। तो आपको बीए में अगर बीएचयू में पढ़ने आते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो आपको कैसा रूम मिलेगा हॉस्टल में? तो आज हम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में खड़े हैं और देख सकते हैं कि रूम का क्या माहौल है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर खड़े हो जाऊँ और देखो, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल है और यहाँ पे एक चौकी है। चौकी पे आपको गद्दा नहीं मिलता, गद्दा आपको खुद लेना पड़ेगा, बेडशीट भी खुद लेना पड़ेगा। और मैं मिलाऊँगा अभी यहाँ पे जो रहते हैं, और इधर आएंगे देखेंगे कि चीज़ों को मतलब आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि आपको ये रूम कितने का मिलता है। अगर हम बात करें कि ये रूम किस सब्जेक्ट वाले को मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा घुस करके क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है मैंने बीए बोल दिया, तो कहता है बीए स्टैटिस्टिक्स वालों को भी यही मिलेगा? तो जी हाँ, बीए मतलब एक ही प्रजाति के लोग जो भी बीएचयू में पढ़ते हैं और उनको यही रूम मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित, ये हॉस्टल का नाम क्या है वैसे? लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। लाल बहादुर शास्त्री कला संकाय के लड़कों को अलॉट होता है, आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों को अलॉट होता है। ये बॉयज हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल है। अच्छा, ये बताइए, आर्ट्स फैकल्टी में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, अभी नए नए बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों को क्या यही हॉस्टल मिलने वाला है? देखिए, ऐसे आर्ट्स फैकल्टी के दो हॉस्टल्स हैं, बिरला छात्रावास और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। अच्छा। तो जो हमारे डीन होते हैं वो हमें हॉस्टल अलॉट करते हैं, तो जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमें लाल बहादुर शास्त्री अलॉट हुआ था, और हो सकता है इस समय बिरला भी पूरा खाली पड़ा है। अच्छा। तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के जो लड़के हैं उन्हें बिरला अलॉट हो जाए, मतलब 50-50 होता है दोनों को। मान लीजिए बिरला ए और एलवीएस लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, दो हॉस्टल अलॉट होता है बीए आर्ट्स वाले स्टूडेंट को। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि ये टॉपर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले कौन सा हॉस्टल मिलता है, बिरला मिलता है या एलबीएस मिलता है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप टॉप किए हैं तो आपको एलबीएस दिया जाएगा या फिर बिरला दिया जाएगा। जिसमें आपके बैच को अलॉट किया जाएगा हॉस्टल, उसमें आपको भी टॉपर्स को भी रहना पड़ेगा, और जो भी रैंकर्स जिनको हॉस्टल मिला है उन सारे को एक बैच के साथ अपनी जगह रहना होगा। तो ये हॉस्टल में देख सकते हैं, आप किस बेड पे सोते हैं वैसे? मेरा ये बेड है आपका। पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? हाँ। क्या ऑब्वियस पढ़ने ही आए? क्या सब्जेक्ट मिला मुझे जियोग्राफी, AIHC और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अच्छा, एक बुक बहुत इंटरेस्टिंग दिखी है दोस्तों, SSC CPO। बैठिए, थोड़ा सा CPO के बारे में बातें कर ली जाए। SSC CPO, जैसे कि अभी हमारे वही एक सीनियर भैया आए हुए थे हमको यहाँ पे रूम पे, तो वो अभी फिलहाल में CISF में सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा। और उनका SSC CPO का एग्ज़ाम था। अच्छा। तो वो आए थे एग्ज़ाम के लिए, तो अपनी बुक के साथ आए थे, शायद लगता है उनकी बुक वो रह गई है। अच्छा, मुझे लगा आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं, SSC CPO की नहीं, मैं UPSC की तरफ देखता हूँ भैया। UPSC की तरफ, क्योंकि हमारे दर्शक पूछते रहते हैं लगातार कि क्या BHU में आने के बाद कोई तैयारी वारी भी करता है, माहौल है UPSC का? और पूरा माहौल है हॉस्टल में। और देखिए दोस्तों, ये कवर्ड मिलता है। थोड़ा सा जब मैं स्टार्ट हुआ तो बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मतलब एकदम फ्रेंकली मैं बोलना चाहता हूँ, दो तीन दिन बाद मैंने ये माइक हाथ में पकड़ा है, तो अभी चीज़ें सब सही हो रही हैं। और ये यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए मतलब ओवर लोड हो गया है इसको इतना कपड़ा टांगा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कवर्ड मिलता है, कवर्ड में बढ़िया से आप अपना ताला लगा करके कहीं क्लास जा सकते हैं। आपके रूम पार्टनर से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, कि आपका सामान सिक्योर रहेगा। और देखिए यहाँ पे किताबें रखी गई, यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत किताब है यार आपके पास। दो रूममेट्स में ना, तो अच्छा, तो उसके बाद से जब हम लोग पहले थे तो NDA के लिए प्रिपेयर करते थे। हाँ। तो उसकी कुछ किताबें हैं। अच्छा। और फिर कुछ लाइब्रेरी से आए हुए हैं तो हम लोग अलॉट कराए हुए, और कुछ अपनी बुक्स भी हैं लाइब्रेरी से बुक अलॉट कर। अच्छा, ये एफिलेटेड कॉलेज वाले क्या है, लाइब्रेरी से बुक अलॉट करा सकते हैं? नहीं, केवल मेन कैंपस वाले। वो जा सकते हैं अंदर जुगाड़ लगा के? ऐसे अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे अगर मतलब देखें पेपर के तौर पे, ऑन पेपर उनको अलाउड नहीं है। ऑन पेपर अलाउड नहीं है, ऑन पेपर अलाउड नहीं है। और देखेंगे दर्शकों तो ऊपर छज्जा दिया होता है, आप अपना वेस्ट मटेरियल फेंक दीजिए उस पर, और मैप लगाया गया है। मतलब जब एक बार पता है क्या हुआ था, जब मैं इसी हॉस्टल में रहता था
2019 में लगभग, तो एक पुलिस घुसी थी यहाँ पे हॉस्टल में मारने के लिए। तो क्या हुआ था कि मेरे रूम में मैप वैप लगा हुआ था, तो पुलिस घुसी, तो पहले तो मैंने तो दरवाजे, जैसे ही दरवाजा है ना, इस दरवाजे को ऐसे बंद करके और यहाँ पे चौकी लगा दिया था मैंने, कि पुलिस पीट रही थी बाहर से, पैर मार रही थी, पांच पांच छः छः पुलिस एक एक दरवाज़ा तोड़ रही है, लेकिन हमने दरवाज़ा नहीं खोला। जब हमारे वार्डन आए वो बोले कि हाँ मैं वार्डन हूँ, तब जा करके दरवाज़ा खोला, क्योंकि हम वार्डन की आवाज़ जानते थे। तो उन लोगों ने मैप वैप देखा और मेरा नाम पता पूछा, तो उनको लगा मैं बहुत पढ़ने वाला इंसान हूँ, ज्योग्राफी का टॉपर हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन अभी देखिए माइक पकड़ करके जर्नलिज्म किया जा रहा है। तो ये है सारा चीज़, ये पासबुक मिलता है, ये पहचान है। इस पासबुक के अंदर आपका सारा डिटेल लिखा रहता है, सब कुछ। ये पासबुक एक मिनी BHU है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। और मैं एक बात बहुत ही दावे के साथ बोल सकता हूँ मोहित, कि BHU के जितने भी छात्र हैं उनमें से 30% लोगों ने ही इस कार्ड को खोल करके पढ़ा होगा या देखा होगा। और लगता है आपको कोई और पढ़ा होगा इस कार्ड को, खोला है आपने, पूरा पढ़ा है? तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें अपनी कुलगीत लिखी हुई है, कुलगीत लिखी हुई है। उसके बाद से महामना मालवीय जी जो हैं उनके विचार, उनके थॉट्स जो हैं स्पेशल, वो सारे लिखे हुए हैं। और फिर उसमें आपको जो लाइब्रेरी कार्ड आपकी इशू होती है वो भी उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। उसकी नंबरिंग भी उसी पे की होती है। आप किस हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर आपका स्थाई अभी एड्रेस कहाँ है, कहाँ आप रहते हैं, हॉस्टल हैं, डेलीगेसी के हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करने के लिए जगह दी गई है। ऐसे करते नहीं है कोई, लेकिन चीज़ें सारी है। हाँ, इसी के थ्रू आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा खींच रहे हैं इस वीडियो को। और एक ड्रॉअर दिया रहता है, ड्रॉअर में एक ऐसे लॉकर लगा रहता है और एक कुर्सी है, और आपको लाइट खुद लेकर के आना पड़ेगा। मतलब एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइट वाइट यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपको नया रूम अलॉट होगा तो पुराना वाला अपना लाइट लेकर चला जाएगा। तो ये है पूरा वीडियो। और BA के छात्र इसमें रहते हैं, और कभी कभी इसमें MA के भी स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि इस पूरे हॉस्टल में, हॉस्टल में भी बहुत सारे, जैसे BA के लड़के रहते हैं, मास्टर्स के लड़के रहते हैं, PhD जो बैचलर ऑन फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, BPED और MPED दोनों के लड़के यहाँ रहते हैं, PhD वाले रहते हैं, विजुअल आर्ट्स वालों को भी यही हॉस्टल अलॉट होता है। क्योंकि हमको लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि BHU का सबसे बड़ा हॉस्टल अभी LBS ही है। 302 कमरों के साथ 604 लड़कों का स्ट्रेंथ है कुल। अच्छा, खाने पीने की सुविधा यहाँ बढ़िया है? खाने पीने की सुविधा बहुत बढ़िया है। मेस वेस दी है? तीन मेस हो गई है, अब तीन स्टार्ट हो गई है। जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो एक ही मेस चलती थी। हाँ। लेकिन फिर हमने वार्डन से कंप्लेन किया इस चीज़ को लेकर, कि जैसे जब हमने क्लास होती है, एक घंटे का ब्रेक है और उसमें सारे लड़कों, 600 लड़कों का खाना खाना थोड़ा सा लगता है, लेंदी हो जाता है। तो हमने कंप्लेन किया इस चीज़ को लेकर, तो फिर वार्डन ने भी एक्शन लेते हुए तीन मेस को स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ की वजह से कभी कभी क्वालिटी मार खा जाती है, लेकिन माहौल है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बढ़िया, हम प्रिपरेशन हर चीज़। मतलब अभी तो मैं एक रूम में हूँ, क्या देख सकता हूँ भाई? वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितनी रिसोर्सेज आपको हॉस्टल के द्वारा प्रोवाइड की गई है, अगर आपको, आप इसका सही से यूटिलाइज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से साइबर लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत होगी। अगर आप वैसा माहौल आपको मिल जाता है, ऐसा है भी कभी बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेशन को छोड़ दिया जाए तो है भी माहौल, है भी साइबर लाइब्रेरी की बात आती है तो बात आती है कि लड़कियों का हॉस्टल 10 बजे तक बंद कर दिया जाता है, उनके लिए साइबर लाइब्रेरी 24 घंटा नहीं खुली है। लेकिन इस पे वाइस चांसलर का कहना है कि साइबर लाइब्रेरी क्रिएट की जा सकती है कॉमन रूम में गर्ल्स हॉस्टल के, तो वो वहाँ पर लाइब्रेरी कर लें रेदर देन कि वो बाहर निकलें। तो ऐसा भी एक आइडिया, लेकिन इस आइडिया को कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, ये जमीनी स्तर पे क्या मौजूद हो गया है, अप्लाई किया जा चुका है? ऐसे तो पुराने जितने भी हॉस्टल्स हैं, जैसे बिरला हॉस्टल हो गया, चाहे अब मेरे LBS में ही कॉमन रूम दिया गया है, तो उसको एज हम लोग स्टडी रूम की तरह यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो, कोई मना थोड़ी ना करेगा। क्योंकि बिरला हॉस्टल में, क्योंकि लाइब्रेरी दी गई है, बिरला हॉस्टल में लाइब्रेरी इनबिल्ट है पहले से ही, और जो पुराने हॉस्टल्स हैं जिसमें एक दो में मैं गया उसमें देखा कि लाइब्रेरी है, उसको यूज नहीं कर, रन नहीं कर रही है, लेकिन चीजें हैं। तो भी ये आफ्टर ऑल ये रूम आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ दो लोग इसमें आराम से? और ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा वीडियो। दरअसल बात ये है कि हमने आज सोचा है कि आज पूरे BHU का हॉस्टल का एक एक रूम में घुसेंगे, एक एक मतलब एक हॉस्टल का एक रूम दिखाएंगे, फिर दूसरे हॉस्टल में जाएंगे, फिर दूसरे हॉस्टल में जाएंगे, नाना प्रकार के हॉस्टल हैं BHU में, IIT BHU और IIMS तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। और मैंने सोचा कि एक एक रूम दिखा करके और आपको पूरा, जो कि एक एक सब्जेक्ट वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे, किन सब्जेक्ट वालों को कौन सा हॉस्टल मिलता है, कौन सा रूम मिलता है। और लगभग अभी इसका फीस चल रहा है 4,750 रुपये, ठीक है, पर सेमेस्टर। तो ये फीस है इस रूम का, आप 6 महीने का ये फीस 4,750 रुपये दीजिए और इस हॉस्टल में रहिए। कोई भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।